तमिलनाडु में कमल के लिए मुसीबत बनेंगे कमल, बीजेपी को हराने के लिए हसन की एंट्री, रजनीकांत की राह में रोड़ा बनेंगे रजनीकांत। जी हाँ, ये सवाल इसलिए क्यों रजनीकांत की राजनीति में एंट्री के साथ ही साफ हो गया था कि तमिल में बीजेपी को स्वाभाविक साथी मिल गया, लेकिन उसके बाद कमल हासन के सियासी डेब्यू के बाद बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया। वैसे तो तमिल राजनीति में कई स्टारों ने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन असल सफलता दो ही को मिली, पहले एमजी रामचंद्रन और फिर जयललिता। साउथ की द्रविड़ राजनीति का एक सशक्त चेहरा बनने के बाद एमजीआर की विरासत को जयललिता ने आगे बढ़ाया। डीएमके और एआईडीएमके दोनों ही द्रविड़ राजनीति के प्रतिनिधि होने का दावा करती है। कमल हासन ने भी पार्टी लॉन्च करने से पहले एक कार्यक्रम में कहा कि द्रविड़ विचारधारा मेरी पार्टी का हिस्सा होगी। साफ है कि कमल हासन द्रविड़ राजनीति का नया चेहरा बनने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जयललिता के निधन के बाद इसकी संभावना भी नजर आ रही है। कमल हासन से पहले रजनीकांत तमिलनाडु की सियासत में एक्टिव हो चुके हैं। रजनीकांत को बीजेपी का खुला समर्थन मिल रहा है। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष ने तो यहाँ तक कह दिया कि 2021 में राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले रजनीकांत की पार्टी 2019 में पीएम मोदी के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा होंगे। राज्य बीजेपी रजनीकांत को अपना नेचुरल पार्टनर मान रही है। ऐसे में पार्टी की घोषणा होने से पहले कमल हासन ने अपना भगवा विरोधी भी जाहिर कर दिया है। रजनीकांत के साथ सियासी तालमेल के सवाल पर हासन ने कहा कि रजनीकांत की राजनीति में भगवा रंग दिखाई पड़ता है, अगर ये बदलता नहीं है तो मैं उनके साथ गठबंधन की कोई संभावना नहीं देख रहा हूँ। हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन राजनीति अलग है। जयललिता के कमजोर होने के बाद एआईडीएमके के एक गुट को समर्थन देकर बीजेपी तमिल सियासत में अपनी राह बनाने में जुटी है। एआईडीएमके संयोजक और तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री ओ पनीर सेल्वम ने पिछले दिनों बयान दिया था, पीएम मोदी के कहने पर भी उन्होंने पार्टी के पलानी सामी गुट के साथ हाथ मिलाया था। ऐसे में कमल हासन की एंट्री को तमिल सियासत में कमल के उभार को काउंटर करने के एक कदम के तौर पर भी लिया जा रहा है।